अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेड्स इन्फो। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आपको मालूम है कि ये चैनल पर्टिकुलरली पेशेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि मैं उनको प्रॉपर एजुकेट कर सकूं, उनको काउंसिल कर सकूं और हेल्थ लिटरेसी दे सकूं। पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट से जो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स होते हैं उनको मीट करना बहुत ईजी होता है। हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स और एक्सरसाइजेस। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट हफ्ते में 3 से कम दफ़ा स्टूल पास करता है और सीवियर केस में हफ्ते में सिर्फ 1 दफ़ा। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो लोगों में कभी ना कभी लाइफ में इसका ज़रूर इनकाउंटर करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन और सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि इसमें हमें कोई कॉज का पता नहीं होता है। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि इसका कोई ना कोई ज़रूर कॉज होता है। ये कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई मेडिकेशन भी हो सकती है और साइकोसोशल इश्यूज भी होते हैं। जैसा कि हमने IBS की वीडियो में ब्रिस्टल स्टूल चार्ट को डिस्कस किया था कि आपका स्टूल कितना हार्ड हो तो कौन सी कॉन्स्टिपेशन होती है, इसे हम डिसाइड कर सकते हैं। और इसकी जो सिम्टम्स हैं कि इसमें हार्ड स्टूल होता है और इसको पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेनिंग फील होती है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट होता है कि आप वॉशरूम गए हैं, आप जब वापस आते हैं तो फिर भी फील होता है कि अभी कम्प्लीटली आप फ्री नहीं हुए। इसके साथ पेन, एब्डोमिनल गैसेस होती हैं, ब्लॉटिंग फील होती है। कॉन्स्टिपेशन एक अलामत होती है, इट्स नॉट अ डिज़ीज़। इसकी बहुत ज़्यादा रूट कॉजेज़ हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये किसी और डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, या आपकी खुराक में अगर लेस फाइबर और लेस वाटर इनटेक है तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं। जैसे हमारे CNS की एक डिज़ीज़ होती है जिसे पार्किंसंस डिज़ीज़ कहते हैं, इसी तरह हाइपोथायरायडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन कम होता है, और इसी तरह डायबिटिक पेशेंट हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है, स्पेशली 2nd और 3rd trimester में। मेडिकेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि कॉन्स्टिपेशन करती है, लेकिन हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन को डिस्कस करूँगा, मिसाल के तौर पर गैविस्कॉन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि हम इनडाइजेशन और एसिडिटी, हार्टबर्न में यूज़ करते हैं। कुछ मेडिकेशन जो एपिलेप्सी में यूज़ होती है जैसे कार्बामेज़ेपीन, टैग्रोल और फेनिटाइन होती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर में डिल्टियाज़ेम और निफेडिपीन मेडिकेशन, ये कॉन्स्टिपेशन करती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जैसे टोफ्रानिल है, ये कॉन्स्टिपेशन करती है। कुछ हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पेशली आयरन सप्लीमेंट, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, ब्लैक स्टूल्स करते हैं। इसलिए इन मेडिकेशन के साथ हम आपको प्रॉपर एजुकेट करते हैं कि आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट का एग्जामिनेशन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कि उसको कौन सी मेडिकल कंडीशन है और वो कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि हम देख सकें कि उसको कौन सी डिजीज़ है, मिसाल के तौर पर थायराइड और कैल्शियम लेवल चेक करने के लिए। इसी तरह हम एक्सरेज रन कर सकते हैं कि हम देख सकें कि कितनी ज़्यादा ब्लॉकेज हुई है इंटेस्टाइन में। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट 2 तरह से हम डिस्कस करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो कि लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं विदाउट मेडिकेशन, सेकेंडली मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन को डिस्कस करेंगे। हर डिजीज़ की तरह इसमें भी हम कुछ ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं हमारे। प्राइमरी गोल ये है कि हम पेशेंट को सिम्टम फ्री कर दें। सेकेंडरी गोल ये है कि पेशेंट सॉफ्ट स्टूल करे जिसमें उसको स्ट्रेनिंग ना हो और ये हफ्ते में 3 से ज़्यादा दफ़ा स्टूल ईजिली पास कर सके। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल चेंजेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम रिकमेंड करते हैं वो है सॉल्युबल फाइबर। हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप स्लोली अपनी फूड में सॉल्युबल फाइबर को ऐड करें जो कि 20 से 35 ग्राम पर डे हम यूज़ करते हैं। इसको स्लोली इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि एब्डोमेन में गैस, ब्लॉटिंग और पेन ना हो। और इसके साथ हम कुछ प्रोबायोटिक फूड होती है या सप्लीमेंट्स होते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सेकेंडली जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वाटर इनटेक। आपका वाटर इनटेक इन जनरल 1.5 लीटर से 2 लीटर तक होना चाहिए ताकि इसमें आपके डाइजेशन में प्रॉपर हेल्प कर सके। जब आप फाइबर लेते हैं और आपका वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि 3 to 5 days per week लाजमी एक्सरसाइज करें जिसमें स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, योगा ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको मेंशन करता हूँ 2 टाइप की एक्सरसाइज है। एक हम फ्लटर किक्स यूज़ करते हैं और सेकेंडली L-shaped tilting।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में और इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसी तरह एब्डोमिनल मसाज भी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। आप इसको अपने एब्डोमिन के राइट साइड बेस से स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल सर्कल्स में और देन ऊपर की तरफ आए लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ और ये क्वाइट हेल्पफुल होता है। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में टॉयलेट ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है स्केजुअल टॉयलेटिंग, यानी आप डेली एक स्केजुअल बनाएं कि उसमें लाजमी आपने वॉशरूम में जाना है चाहे आप स्टूल पास करें या ना करें। सेकेंडली कमोड पर बैठने का तरीका, आप इस तरह बैठें कि एक स्टूल रखें, आप पाँव उस पर रखें, पाँव ज़मीन पर नहीं लगने चाहिए और आपकी लेग्स एटलीस्ट 35-45 एंगल पे हो, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकें, लंबा और गहरा सांस लें और देन आप स्टूल पास करें। लास्ट IBS की वीडियो में हमने लो फॉडमैप डाइट को डिस्कस किया था जो हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इस वजह से मैंने इसको दोबारा इसमें इंक्लूड किया है और इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स, इनको मैं अवेलेबिलिटी और यूसेज के लिहाज से अलग-अलग थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। फॉडमैप डाइट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हमारी यूसेज में है वो है आइसबर्ग लेटस, ओलिव्स, पोटैटो, पम्पकिन, रेडिश, रेड पेपर्स और टर्निप। फॉडमैप फ्रूट में जो इंपॉर्टेंट है वो है अनराइपन बनाना, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स, गोवा, कीवी फ्रूट और लेमन। सिमिलरली ऑरेंजेस, पपाया, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सीरियल्स और नट्स में फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के सीड्स होते हैं, हेजल नट्स, मिक्स नट्स, ऑटमील, पीकन बर्न्स, इसके अलावा जो ब्रेड्स होती हैं, राइस डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, कोकोनट मिल्क और क्रीम होता है, ये क्वाइट हेल्पफुल होते हैं कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में स्वीट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करती है। इसमें आप डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, केचप जस्ट वन साशे, पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं और जैम एंड जैली। ड्रिंक्स में आप चॉकलेट पाउडर और प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस 120 ml आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी मैटर करती है। कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंट टाइप्स की चाय भी हेल्प करती है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी और पेपरमिंट टी। फॉडमैप में जो लास्ट चीज़ है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें है बटर, एग्स, मार्जरीन एंड मिल्क। डिफरेंट टाइप का मिल्क है, जैसे ऑलमंड है और लैक्टोज फ्री मिल्क। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है, या तो हमें उसके ट्रीट करना पड़ता है या उसको रिमूव करना पड़ता है। अगर आप पेशेंट हैं और आप घर में हैं और आपको ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो उसके लिए जो मैं टिप दे रहा हूँ आपको वो है दो तरह के लैक्सेटिव जो हम डिस्कस करेंगे आज, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स और ऑस्मोटिक सेलाइन लैक्सेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स वो होते हैं जैसे इस्बगोल हस्क है, ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म चलती है, और जो कभी कभार होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम से कम 2-3 दिन लेती है अपना एक्शन करने के लिए, क्योंकि इसने वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट करना होता है, इसलिए हम इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी मिनिमम 8 ounces। इसको हम जूसेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ कोई और दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का गैप दे दें। और ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको हेपेटिक डिज़ीज़ यानी लीवर की और किडनी की डिज़ीज़ होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको स्लोली इसको इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि गैस और ब्लॉटिंग वगैरह ना फील हो। सेकेंड टाइप के लैक्सेटिव सेलाइन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं, जैसे मूवीकॉल है और मिरालेक्स, ये भी हम दोनों तरह की कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो लॉन्ग टर्म चलती है। इसका एक्शन आते हुए 2-3 दिन लग जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है कि साशे ओपन करें और एक ग्लास ठंडा चिल्ड वाटर लें एडल्ट्स के लिए। एडल्ट में अगर आप ठंडे पानी में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका अच्छा होता है, और किड्स में हम इसको नॉर्मल वाटर में यूज़ करेंगे। फर्दर अगर आपने इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना हो तो आप इसको स्ट्रॉ के साथ यूज़ कर सकते हैं, या इसे इस्तेमाल करने के फौरन बाद आप लेमन को सक कर सकते हैं। इसके साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कलरफुल फूड इस्तेमाल ना करें, जैसे रेड और पर्पल कलर की हो, और अगर आप कोई और मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे का इसके साथ गैप दें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको एब्डोमिनल गैसेस होंगी, ब्लॉटिंग, पेन होगी, जिसका हम ट्रीटमेंट लेटर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के साथ एब्डोमिनल पेन और स्पैज्म होता है,
और ये लैक्सेटिव यूज़ करने के साथ भी हो सकता है, इसलिए बस्कोपेन की आप 10 मिलीग्राम की टैबलेट आप ले सकते हैं दिन में 3 दफ़ा या जब कभी आपको पेन हो खाने के बाद। कॉन्स्टिपेशन और लैक्सेटिव के यूज़ से बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल गैसेस बनती हैं, उसके लिए ये साइमेथिकोन की टैबलेट होती है जो कि स्वीट इन टेस्ट होती है और आप इसको दिन में 3 से 4 दफ़ा खाली पेट जब कभी ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।